नमस्कार दोस्तों, आज हमने लगाया है नीम का पौधा। आप देख रहे हैं छोटे छोटे मैंने नीम के पौधे लगाए हैं। करीबन मैंने दो दो की जोड़ी में पांच जगह नीम का पौधा रोपा है, जो कि आप देख सकते हैं कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। और इस नीम को रोपने के पीछे एक कारण है। एक समय था जब ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे थे, क्योंकि कृत्रिम ऑक्सीजन नष्ट हो सकता है पर प्राकृतिक ऑक्सीजन कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का प्रकाश, और आज हमने किया है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कईयों की घर की खुशी खत्म हो गई थी। तो बस यही सोचा कि ऑक्सीजन, अगर हमें प्राकृतिक जो ऑक्सीजन है ये हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि कृत्रिम। जो हम बनाएंगे वो तो खत्म हो जाएगा, पर जो प्राकृतिक का दिया हुआ ऑक्सीजन रहेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। तो पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, ये जो मूल मंत्र है इसे हर किसी को फॉलो करना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए। और इस वक्त मैं हूँ हनुमान मंदिर में, बोला जाता हनुमान जी के मंदिर में, और पेड़ लगाना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत लोगों की खुशी बोला जाता दुनिया से चले गई, तो उसी खुशी को बचाने के लिए अगर फिर से वैसी अगर स्थिति होती है तो ऑक्सीजन जो हमें प्राकृतिक देगा वो ऑक्सीजन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, न ही कृत्रिम। जो हम बनाएंगे वो तो खत्म हो जाएगा और जो प्रकृति देगा वो कभी खत्म नहीं होगा, मतलब नष्ट नहीं होगा। तो चलिए इसी बात में आज फिर से जय हिंद। और कहना चाहूँगा कि इस पौधे के चारों तरफ को घेरना भी जरूरी है, तो इसे हम घेरने के लिए कुछ कांटे का उपयोग करेंगे, क्योंकि अगर कांटा लगाएंगे तो कोई भी जीव जंतु बोले जाए तो कोई भी गाय वगैरह इसे खाता तो नहीं है पर नष्ट नहीं करेगा, और ये जल्दी से बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद में ये ऑक्सीजन देगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, देश की जान इंडियन आर्मी, जय हिंद। मैंने कांटे का इंतजाम कर कर कांटे लगा दिया है, क्योंकि कोई भी जानवर अगर पौधे को खाना चाहे तो खा नहीं सकता, क्योंकि कांटे रहेंगे तो चुभेंगे और उसके तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए मैंने कांटा लगा दिया है नीम के पौधे के ऊपर, आप देख सकते हैं, और जिससे उसको नष्ट नहीं किया जा सकता और धीरे धीरे ये पौधे बड़े होते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो चैनल में नए हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये रहा हनुमान जी का मंदिर, आप देख सकते हैं पीपल और बादाम का पेड़ है यहाँ पर, और कुछ और पेड़ हैं, और कितना बढ़िया हनुमान जी का। जय बजरंगी।